नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस वीडियो में बात करते हैं मैप माई इंडिया आईपीओ का, यानी कि सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड आईपीओ का। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स देखेंगे मैप माई इंडिया कंपनी क्या काम करती है, कहाँ से इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। साथ ही फाइनेंशियल डाटा देखेंगे और इस आईपीओ का टाइम लाइन देखेंगे, कब से कब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग डेट क्या है, वो सारा चीज़ जानेंगे। साथ ही इसका जीएमपी भी देखेंगे और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है, सारा चीज़ अभी बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप इसमें इस आईपीओ में हिस्सा ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, आप स्टॉक्स का मिल जाएगा, 5 पैसा का लिंक आपको मिल जाएगा, एंजल ब्रोकिंग का भी मिल जाएगा। तो सब में आप अपना अकाउंट ओपन करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी का पूरा डिटेल्स बात करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और कहाँ से इसको रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी कहाँ से रेवेन्यू अर्जित करती है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो इस कंपनी का यदि बात किया जाए तो ये कंपनी जो है डिजिटल मैप प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं इस कंपनी का। तो इस कंपनी का पूरा डिटेल्स भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ ज़रूर चेकआउट करें, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप माई इंडिया जो है ये कंपनी है इसका सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो है देख सकते हैं ये जो डिजिटल मैप ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो इसमें बहुत सारा कंपनी का सर्विस है, देख सकते हैं प्रोडक्ट में। अगर यदि यहाँ पर जाते हैं आप तो इस कंपनी का प्रोडक्ट में देखते हैं मैप एंड डाटा, जिसमें कि आपको मैप डाटा मिल जाता है, जियो डेमोग्राफिक डाटा है, रियल व्यू है, इस प्रकार से ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। API है, NSDK देख सकते हैं, बहुत सारा कंपनी का SDK डिवाइस जो होता है वो नेविगेशन के लिए यूज आता है, वो सारा सर्विस प्रोवाइड करती है। GIS, एनालिटिक्स एंड AI, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा जो है कंपनी IoT जो है इसमें आप टेलीमेटिक्स सॉल्यूशन, यानी कि इसमें बहुत सारा जो है डिजिटली इंटरनेट से ये कनेक्ट होने वाला डिवाइस है, जिसमें कि आपको लोकेशन का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो इस देख सकते हैं हार्डवेयर एंड सेंसर्स, तो ये कंपनी बहुत सारा डिजिटल मैप में ही ये कंपनी बहुत सारा जो है सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यदि इसका यहाँ पर सॉल्यूशंस में देखते हैं तो देख सकते हैं इंटरप्राइज के लिए अलग है, ऑटोमेटिव के लिए, यानी कि कार में भी जो मैप जो अप्लाई होता है इसका डिजिटली जो है अप्लाई मैप जगह यदि यूज़ होता है कार में तो इसी का यूज़ होता है, देख सकते हैं। बहुत सारा कंपनी जो है टू व्हीलर मोबिलिटी है, तो इस प्रकार से ये कंपनी जो है डिजिटली मैप का जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। और कोई डिवाइस अगर यदि डिजिटली वर्क करता है मैप के थ्रू तो ये कंपनी वो डिवाइस का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं। इसका एक आपको मूव ऐप भी मिलता है गूगल प्ले स्टोर में, तो आप उसका मैप को यूज कर सकते हैं, मूव ऐप है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके। तो देख सकते हैं पूरी तरह से इसका जो वर्क है वो डिजिटली मैप का इसका कह सकते हैं वर्क है इस कंपनी का, एक अलग टाइप का ये कंपनी है, देख सकते हैं डिजिटली मैप प्रोवाइड करती है। तो इसका क्लाइंट्स का बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कुछ दिया हुआ है क्लाइंट्स का, यहाँ पर देख सकते हैं अमेज़न का जो है एलेक्सा का डिवाइस भी आता है, तो एलेक्सा का जो डिवाइस भी इसी पर काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा बड़ा नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं मर्सिडीज है, फ़ोनपे, HDFC, मारुति सुजुकी, उबर, फेसबुक, महिंद्रा, एयरटेल, तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसका जो है प्रोडक्ट्स का आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट्स है इसका डिजिटली मैप ये कंपनी प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं इस प्रकार से मैप जो है ये कंपनी मैप का सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है सेकंड में API एंड SDK है, तो देख सकते हैं इसमें जो है APIs एंड SDKs में होता है मैप सर्विस वाला जो डिवाइस होता है उसमें ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, देख सकते हैं मोबिलिटी एंड ट्रैकिंग, इस प्रकार से ये कंपनी जो है डिजिटली मैप पर ही ये सारा बिजनेस इस कंपनी का डिपेंड है, डिजिटली मैप में ही इसका सारा डिपेंड है, देख सकते हैं सारा बिजनेस इसी पर आधारित है इसका, देख सकते हैं ऑटोमोशन वाला भी जो है डिवाइस ये कंपनी काम करती है, देख सकते हैं नेविगेशन एंड मोबिलिटी।
तो इस प्रकार से इस कंपनी का बहुत सारा सर्विस है जो कि डिजिटली इस कंपनी प्रोवाइड करती है मैप के थ्रू। तो ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इसी से इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कंपनी बहुत सारा जो है कंपनी से टाइप किया हुआ है, जो कंपनी जुड़ा हुआ है उसको लोकेशन का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से ये इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप समझ गए, इसका मैप से रिलेटेड, डिजिटली मैप से रिलेटेड इस कंपनी का व्यवसाय है और उसी से कंपनी को इनकम जनरेट होता है और सारा कंपनी उसी से रन करती है। तो रेवेन्यू का जो सोर्स है उसका डिजिटल मैप से मैन कंपनी का जो है इनकम का सोर्स है, उसी से इस कंपनी का सारा रेवेन्यू आता है। तो चलिए अब इस कंपनी का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं, इस आईपीओ का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो है 1995 से ही ये कंपनी रन कर रही है, देख सकते हैं 1995 से ही कंपनी रन कर रही है और मैप में ही ये कंपनी काम करती है। तो चलिए अब आईपीओ का डिटेल्स भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि आप ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं तो ये कंपनी जो है यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर्स जो है अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है सेकेंड में जो है यहाँ अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का जो लिस्टिंग का जो बेनिफिट होता है वो कंपनी यहाँ पर लेने के लिए इस आईपीओ को लेके आई है, यानी कह सकते हैं एक विजिबल कंपनी बनाने के लिए ये आईपीओ लेके आई है। और कुछ यहाँ जो है इक्विटी शेयर जो है कुछ शेयर होल्डर यहाँ पर बेचने वाला है, देख सकते हैं कुछ शेयर होल्डर जो है अपना हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर देख सकते यही ऑब्जेक्ट्स है इस आईपीओ का, इस आईपीओ से जो भी अमाउंट आएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ शेयर होल्डर यहाँ पर अपना हिस्सेदारी सेल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर यदि डिटेल्स देखते हैं तो ये आईपीओ का जो इशू अमाउंट है वो 1039 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इशू अमाउंट है इस आईपीओ का। और अगर यदि फेस वैल्यू का बात किया जाए तो इसका जो है फेस वैल्यू 2 रुपया है पर शेयर। प्राइस बैंड का यदि बात करते हैं, बिड प्राइस का बात करते हैं तो 1000 से 1033 के बीच में आप इसमें बिड प्राइस लगा सकते हैं। लॉट साइज का बात किया जाए तो 14 शेयर का यहाँ पर लॉट साइज है। और इसका रजिस्ट्रार का बात करते हैं तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। तो चलिए अब आईपीओ का टाइम लाइन देख लेते हैं। तो ये आईपीओ जो ओपन होने वाला है आपका 9 दिसंबर 2021 को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर से आपका ये जो क्लोजिंग डेट है 13 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और बेसिक अलॉटमेंट का जो डेट है वो 16 दिसंबर का जो है उस दिन आपका यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा, यदि आपको मिलने का है तो अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जो है रिफंड है 17 दिसंबर को रिफंड है, यदि आपको नहीं मिलता है तो जो भी अमाउंट आपका होल्ड होता है वो 17 दिसंबर को आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा यदि आपको नहीं मिलता है तो। उसके बाद है यदि आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपका जो है डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा आपका 20 दिसंबर 2021 को आपका अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो लिस्टिंग का जो डेट है एनएससी और बीएससी में ये दोनों में लिस्ट होगा, तो लिस्टिंग का डेट जो है 21 दिसंबर 2021 को ये एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो जाएगा। तो ऑफर ब्रेकअप भी देख लेते हैं, और ऑफर ब्रेकअप इस प्रकार से क्यूआईबी के लिए जो है 50% यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, एनआईबी के लिए यहाँ पर 15% यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी में देखते हैं तो यहाँ अच्छा खासा रिटेल कैटेगरी में मिल रहा है, 35% यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, यानी कि रिटेल कैटेगरी में इंडिविजुअल में यहाँ पर मौका मिलने वाला है, देख सकते हैं 35% यहाँ पर रखा गया है। चलिए अब इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा भी देख लेते हैं, ये कंपनी का फाइनेंशियल डाटा और प्रीवियस 3 ईयर का यहाँ पर डाटा देख लेते हैं। तो अगर यदि इस कंपनी का टोटल एसेट का बात किया जाए तो 339 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का टोटल एसेट था 2019 में। 2020 में जो है कंपनी का एसेट 358 करोड़ हुआ है, बढ़ा है एसेट देख सकते हैं। फिर 2021 में कंपनी का जो है एसेट 427 करोड़ का एसेट हो गया है। तो यहाँ कंपनी हर एक साल अपना संपत्ति जो है कंपनी बढ़ा रही है, देख सकते हैं 339 था 358 उसके बाद 427 हो गया है करंट ईयर में यदि देखते हैं तो, यानी कि कंपनी अपना संपत्ति यहाँ पर बढ़ा रहा है, यानी अच्छी बात है ये। चलिए अब रेवेन्यू का बात कर लेते हैं, रेवेन्यू कितना अर्जित किया है इस कंपनी ने। तो यहाँ पर 2019 का देखते हैं तो 163 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम किया है कंपनी ने। उसके बाद जो है 31 मार्च 2020 को देखते हैं तो 163 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। ये दोनों ईयर में अगर देखते हैं तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है सेम है। उसके बाद 31 मार्च 2021 को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 192 करोड़ का यहाँ कंपनी ने
रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ पर, अच्छा खासा कंपनी को इनकम हुआ है, देख सकते हैं 192 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। चलिए अब जो है शुद्ध लाभ का बात कर लेते हैं, प्रॉफिट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ कंपनी को 2019 में 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 2020 में कंपनी को थोड़ा यहाँ प्रॉफिट घटा है, 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और 2021 में देखते हैं तो यहाँ कंपनी ने डिजिटली रूप से यहाँ पर अपना सर्विस देके अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट इनकम जनरेट किया है, देख सकते हैं रेवेन्यू 192 करोड़ का जनरेट किया है, उसमें शुद्ध प्रॉफिट 59 करोड़ का यहाँ कंपनी को शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंपनी को यहाँ पर कोविड का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो डिजिटली मैप जो है ये सर्विस कंपनी का चालू था, जिस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा इस कंपनी ने इनकम किया है, प्रॉफिट किया है, देख सकते हैं 59 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अब इसका GMP भी देख लेते हैं, इस कंपनी का GMP अभी इस IPO का क्या चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ का यदि GMP देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा GMP देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हैं 800 का GMP यहाँ चल रहा है। और कॉस्टक रेट देखते हैं तो 700 का यहाँ पर आज का कॉस्टक रेट चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर अगर यदि आप GMP देखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं 800 का यहाँ पर दिख रहा है। अगर यदि मैक्स प्राइस में भी अप्लाई होता है तो यहाँ पर अगर यदि आप मैक्स प्राइस देखते हैं तो 1033 का यहाँ पर जो है मैक्स प्राइस है, फिर भी यहाँ पर आप कंपनी में यहाँ देख सकते हैं 70 से 80% यहाँ पर जो है प्रॉफिट दिख रहा है, देख सकते हैं शुद्ध प्रॉफिट यहाँ पर अभी इस IPO में दिख रहा है। यहाँ कह सकते हैं कि ज़बरदस्त अभी इसमें GMP यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो इस IPO में यदि आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर करें, और इसमें जो है 800 का यहाँ पर GMP दिख रहा है, यानी कि 70 से 80% यहाँ पर अभी प्रॉफिट दिख रहा है। तो GMP जो भी होता है उसका हम अपडेट आपको बताएंगे। तो इस IPO में यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, यदि भी आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, देख सकते हैं 800 का GMP अभी शो कर रहा है, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको ये IPO भी प्रॉफिट दे के जाएगा। तो यही था पूरा डिटेल, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, धन्यवाद।